हेलो स्टूडेंट, आइए तो रमन सर क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और प्यारे बच्चों, एक और सेशन की शुरुआत करते हैं। वैसे तो ये मैंने हाथ से बनाकर कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ाए थे, लेकिन काफ़ी बच्चे मुझे बोल भी रहे थे कि सर थोड़ा सा इसको भी और पिक्चराइज करके एक्सप्लेन करें, तो इसीलिए ये लेक्चर नंबर 37 में मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन इसकी बताइए, एक बार थोड़ा सा और आइडिया देता हूँ आपको 38 में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप देखें तो अंडरग्राउंड केबल को हमें यहाँ पर सीखना है, और अंडरग्राउंड केबल में जरा देखिए जरा क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेटा, अंडरग्राउंड केबल में देखिए, हमने रखा अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल, भूमिगत केबल में देखो, हमने लास्ट में भी ये देखा था, लास्ट लेक्चर में भी, ये कंडक्टर है, इसके ऊपर है बेटा इंसुलेशन, इंसुलेशन है, फिर है मेटालिक शीट। मेटालिक शीट जो बनी होती है वो इंसुलेशन को मॉइस्चर से सुरक्षा प्रदान करेगा। फिर बेटा हमने बढ़ाई बेडिंग, फिर हमने आर्मरिंग और सर्विंग। तो ये वर्किंग, ये पूरा डायग्राम हमने लास्ट में भी बेटा देखा था। फिर हम चलते देखे कोरिया कंडक्टर। तो बेटा जो हमने कोरिया कंडक्टर रखे हैं, ये हमने बनाए हैं एल्यूमिनियम या तांबे से। एल्यूमिनियम या तांबे का बनाएंगे हम कोरिया कंडक्टर बेटा। फिर देखिए इंसुलेशन। तो प्यारे बच्चों, इंसुलेशन पहले ये सवाल पूछ लेता है कि किसके आधार पर किया जाता है। इंसुलेशन सदैव रहता है वोल्टेज के आधार पर। तो हमने लिखा है कि प्रत्येक कोर या कंडक्टर को उपयुक्त मोटाई के साथ इंसुलेशन प्रदान किया जाता है। इंसुलेशन परत की मोटाई केबल द्वारा सहन किए जाने वाली वोल्टेज, बेटा ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, इंसुलेशन किसके अकॉर्डिंग वोल्टेज पर निर्भर करती है। इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री इम्प्रेग्नेटेड पेपर, बेटा क्या है इम्प्रेग्नेटेड पेपर, एक होती है बेटा वर्निश कैम्ब्रिक, और एक होती है रबड़ बेटा। ये तीनों को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, वर्निश कैम्ब्रिक और रबड़ मिनरल, ये तीनों ही एज ए इंसुलेटर यूज़ किए जाने के लिए बहुत ही फेवरेट होती है। देखो हमने बेटा ये दिखाई है, ये रहता है इम्प्रेग्नेटेड पेपर, ये ऐसे पट्टी के जैसी जो दिखाई, ये वर्निश्ड कैम्ब्रिक है, और ये रबड़, जैसे आप लोग कई बार ये देखते होंगे कुछ ऐसा जिस पे आप योगा मैट भी जैसे आती है ना, रबड़ मिनरल्स की बनी हुई। तो बेटा ये है। फिर देखिए मेटालिक शीट। तो मेटालिक शीट का काम हमने पहले भी ये चर्चा की थी कि नमी से बचाने का काम ये करेगा। केबल को मिट्टी और वातावरण में नमी, गैसों या अन्य हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए इंसुलेशन के ऊपर सीसा यानी लेड या एल्युमिनियम का एक धातु का आवरण प्रदान किया जाता है। कि धातु का एक आवरण प्रदान किया जाता है किससे बेटा, नमी से, गैस से या अन्य हानिकारक तरल पदार्थों से। बेटा किसका बनाएंगे, लेड और एल्युमिनियम का बनाते हैं। बेडिंग, हमने पहले भी कहा है कि यदि मेटालिक शीट के ऊपर हम डायरेक्टली बेटा आर्मरिंग कर देंगे, आर्मरिंग हम कर रहे थे देखे स्टील से, तो स्टील मेटालिक शीट को काटने लगेगा, इसके बीच में एक सतह या लेयर बना दी हमने, जिसे हमने कहा बेडिंग। धातु के शीट के ऊपर बेडिंग की एक परत लगाई जाती है, जिसमें एक रेशेदार सामग्री कपास, ऊन, रेशम, जूट होती है। क्या क्या बेटा देखिए पढ़ लो, कपास, ऊन, रेशम व जूट होती है। बेडिंग का मुख्य उद्देश्य धातु के शीट को जंग से और यांत्रिक क्षति से बचाना होता है। ओके जी, फिर चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्मरिंग, आर्मरिंग का काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना। बेडिंग के ऊपर
आर्मरिंग प्रदान की जाती है जिसमें गैल्वनाइज्ड स्टील वायर या स्टील टेप की एक या दो परतें होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केबल को बिछाने के दौरान और संचालन के दौरान यांत्रिक चोट से बचाना होता है। क्या बना दिया बेटा हमने ये आर्मरिंग, किससे बनाया है? गैल्वनाइज्ड स्टील वायर या टेप से। तो ये है देखिए गैल्वनाइज्ड स्टील टेप, ये किसकी है? गैल्वनाइज्ड स्टील टेप, और ये दिखाई है आपको स्टील की टेप, ठीक है जी। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं बेटा सर्विंग। तो सर्विंग तो सबसे लास्ट वाली परत होती है। आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाने के लिए आर्मरिंग के ऊपर बेडिंग के समान रेसेदार सामग्री रबड़ इंसुलेशन या पीवीसी परत प्रदान की जाती है। कुल मिलाकर बेटा आर्मरिंग को सुरक्षा देने का काम ये कर रहा है, साथ में ये फाइनल टच भी होता है बेटा केबल पर। प्यारे बच्चों आइए बात करते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। तो एक होते हैं लो टेंशन केबल जो आ जाते हैं 1000 वोल्टेज तक। क्या कह रहे हैं? लो टेंशन केबल बेटा आ जाते हैं 1000 वोल्ट तक। इसके बाद में प्यारे बच्चों देखिए एच टी केबल, क्या कह रहे हैं? हाई टेंशन केबल। बेटा जो हाई टेंशन केबल है वो इस्तेमाल किए जाते हैं 11 केवी तक। लो टेंशन 1000, हाई टेंशन बेटा 11 केवी। एक होता है सुपर टेंशन, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है 33 केवी तक। कितना बेटा? 33 केवी तक। एक होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो केबल है ये होता है बेटा 33 केवी से 66 केवी तक। 33 केवी से 66 केवी तक होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। एक होता है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। तो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल होता है बेटा बियॉन्ड 132 केवी। तो ये कई बार बेटा ज़्यादातर एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल तक पूछता है, चार तो बेटा बहुत ही खास होते हैं। चलिए जी, अब ये यहाँ से बेटा एक सवाल आपके पुराने एग्जाम यूपीपीएससी TG2 में बेटा आ चुका है, ध्यान से देखिए। हम रख रहे हैं बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, जनरली हम बात कर रहे हैं थ्री फेज केबल के लिए, हम बात कर रहे हैं थ्री फेज केबल के लिए। देखिए एक होता है बेटा बेल्टेड केबल, अभी हम बताएंगे, एक होता है बेल्टेड और एक होता है स्क्रीनड केबल। एक होता है बेटा बेल्टेड केबल और एक होता है प्यारे बच्चों स्क्रीनड केबल, और एक आता है फिर हमारा प्रेशर केबल। जो बेल्टेड केबल है वो इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम ऑपरेटिंग जो वोल्टेज है बेटा ये रखी जाती है 11 केवी। क्या कहेंगे कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज बेल्टेड केबल के लिए कितनी रखी जाती है? अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, दिमाग में ये रखना है कि इसमें हम लोग तीनों कंडक्टर को एक साथ बंच करके हम पेपर या इंसुलेटिंग पेपर बेल्ट लगाते हैं। देखो मैंने पूरा डायग्राम बनाया है, हम लोग कर क्या रहे हैं बेल्टेड केबल में। बेल्टेड केबल में बेटा आपने पहले ये अलग अलग कंडक्टर लिए, आपने इंसुलेशन जो इंसुलेशन देना था आपने दे दिया बेटा अलग अलग के बीच में, तीनों को एक साथ लगाकर एक ऊपर आपने एक पट्टी लगा दी। क्या बेटा? पेपर बेल्ट। क्या लगा दिया? देखे ये पूरी आपने बेटा बना दी इसके ऊपर एक बेल्ट, तो इसका नाम रख दिया प्यारे बच्चों बेल्ट केबल। क्या रखा? बेल्टेड केबल। अब इस पूरी व्यवस्था को लेड की बनी हुई एक मेटालिक शीट में रख दिया। अगर आप लोगों के लेवल के हिसाब से हम बात करें तो बड़ा ही क्लियरली बेटा एग्जाम में पूछता है कि बेल्टेड केबल को कहाँ तक इस्तेमाल करेंगे, और ये करेंगे बेटा हम 11 केवी तक। कहाँ तक? 11 केवी तक हम इस्तेमाल करेंगे।
चलिए जरा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर एक आता है बेटा स्क्रीन केबल। जो स्क्रीन केबल है देखिए, ये इस्तेमाल किया जाता है 66 KB तक। और बेटा देखो, लास्ट टाइम ये आया था कि एच टाइप केबल को इसे बोलते हैं होकडसलर केबल। एच टाइप की फुल फॉर्म ये है, एच टाइप केबल। बेटा मैक्सिमम एच टाइप जो केबल है वो 66 KB तक इस्तेमाल होते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि इसमें हम अलग अलग 3 कोर आर इंडिविजुअली इंसुलेटेड विद पेपर एंड देन कवर्ड बाय मेटालिक स्क्रीन और कवर। प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि तीनों को, चलिए हम देखिए चित्र के माध्यम से बताएंगे। हमने तीनों को ये रखा, तीनों को हम लोगों ने ये कंडक्टर को रखा, फिर अलग अलग पर इंसुलेशन दिया। पूरा समझा दे, देखिए हम लोग एच केबल बहुत ही बेसिक व्यवस्था है। आपने रखा हुआ है पहले कंडक्टर को, अलग अलग तीनों को आपने इंसुलेशन दे दिया, तीनों को आपने पेपर इंसुलेशन दिया, ठीक है। फिर आपने देखिए मेटालिक शीट में रख दिया, और जो मेटालिक शीट है, जो मेटालिक शीट है, यहां देखो उन मेटालिक शीट में आपने बना रखे हैं छेद, और अलग अलग मेटालिक शीट रख के बेटा ऊपर से आपने बना दिया है एक बेल्ट। ऊपर से आपने बनाई है बेल्ट, उसके ऊपर सेम अपना मेटालिक शीट, बड़ी एक मेटालिक शीट, फिर वही बैडिंग आर्मरिंग, वही प्रक्रिया है। तो एच टाइप केबल बेटा 66 KV तक इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है देखिए एसएल टाइप, इसलिए कुछ चीजें, ये सिंपल चीजें थी इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया यार ये, तो इसका मुद्दा मत बताना, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए ये एच टाइप के ही लिए है, ये एच टाइप के लिए था। हाँ एक छोटी सी ये दिमाग में रखिए कि इसमें हमने बेटा मेटालिक शीट ये एक ही लिए, अलग अलग पे हम लोग मेटालिक स्क्रीन कर रहे हैं ये ना, अलग अलग पे बेटा ये मेटालिक स्क्रीन कहते हैं। और मेटालिक स्क्रीन जो करते हैं, मेटालिक स्क्रीन जो हम कर रहे हैं वो हम करते हैं बेटा कॉपर से। तो इसमें हम एक मेटालिक शीट लेते हैं, लेकिन एसएल में हम अलग अलग के लिए अलग अलग मेटालिक शीट लेते हैं। तो इसीलिए मैंने चित्र लिया है ताकि तुम लोगों को समझाना थोड़ा आसान रहे। तो देखो हमने तीन अलग अलग मेटालिक शीट लेकर इसको बनाया है। किसे बेटा? एसएल टाइप केबल को। इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, एचएसएल इनका कॉम्बिनेशन होता है बेटा। अब आते हैं देखें हम प्रेशर केबल। प्रेशर केबल प्यारे बच्चों 66 KV से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम ऑयल या फिर गैस भरते हैं। चलिए देखिए जी, ऑयल फील्ड का मतलब है इस तरह के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई नलिकाओं के माध्यम से उपयुक्त दबाव में तेल परिचालित किया जाता है। यह तेल आपूर्ति और दबाव को उचित दूरी पर रखे ऑयल डक्ट के माध्यम से दिया जाता है। प्रयुक्त तो तेल वही जो पेपर इंसुलेटर के संचयन के लिए उपयोग किया जाता है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ज्यादातर इस तेल की वही जो ट्रांसफार्मर ऑयल वाली इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है। तो हम लोग ये कर रहे हैं बेटा, इसमें हम बीच में एक ना गड्ढा छोड़ रहे हैं, एक डक्ट कहते हैं इसको, और इस डक्ट में नलिकाओं से हम लोग तेल फ्लो करवाते हैं। एक तो ये कंडक्टर है, इसे कहते हैं बेटा हम सिंगल कोर। एक प्यारे बच्चों ये है जिसमें हम लोग तीन अलग अलग कोर बनाकर तीन अलग अलग नलियाओं से बेटा फ्लो करवाएंगे ऑयल को। फिर एक हम लोग गैस फील्ड वाला इस्तेमाल करते हैं। दाबयुक्त गैस आमतौर पर शुष्क नाइट्रोजन, कौन से बेटा? शुष्क यानी कि ड्राई नाइट्रोजन को एक वायुरोधी स्टील पाइप में केबलों के चारों ओर परिचालित किया जाता है। इस प्रकार के केबल में उच्च लोड करंट प्रभावित होते हैं, और इस प्रकार के केबल उच्च वोल्टेज पर काम करते हैं लेकिन कीमत में महंगे हैं। किसमें बेटा? गैस फील्ड। ये कुछ दिखाया भी हमने गैस फील्ड की कहानी।
अब देखिए बेटा, इसमें ही हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इससे आगे हम लोग बात कर रहे थे, देखिए अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो हम लोग टेस्टिंग की चर्चा कर रहे थे। टेस्टिंग की चर्चाओं का क्लियरली मतलब ये है बेटा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाता है, जैसे हम ये कहें टेस्टिंग ऑफ केबल, तो बेटा हम टेस्टिंग करते हैं जनरली दो प्रकार से। एक होता है मरी लूप टेस्ट बेटा, जिसे हम लोग लिखते हैं मरी लूप टेस्ट, और प्यारे बच्चों एक होता है वर्ले वर्ले लूप टेस्ट। ये दो टेस्टिंग आप लोग करते हो, एक मरी और एक वर्ले। तो देखिए बेटा, इसमें याद ये रखना है, जैसे पूछ लेता है कि अंडरग्राउंड केबल की, देखिए हमें ये नहीं पता होता कि भैया अब केबल बेटा जमीन के अंदर रख दिया, तो हमें नहीं पता बेटा कि केबल जो जमीन के अंदर रखा है, जरा ध्यान से सुन ले मेरी बात को, कि केबल जो जमीन के अंदर रखा है उसमें कहां पर हमें गड्ढा खोद के फॉल्ट को दूर करना है, हमें तो नहीं पता, क्योंकि जमीन के अंदर हम नहीं देख पा रहे। और अंडरग्राउंड केबल यदि हमारा 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर है तो पूरे को हमें खोद कर देखना भी नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो हम बेटा इन टेस्टिंग से ये पता लगा लेते हैं प्यारे बच्चों कि कौन सी पोजीशन पर फॉल्ट हुआ है। मरी और वर्ले लूप टेस्ट में एक मामूली सा अंतर भी होता है। देखो जी, इनसे हम ये पता लगा लेते हैं कि अर्थ फॉल्ट, इनसे हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि किस स्थिति में फॉल्ट हुआ है, अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ये कहाँ पर हुआ है। तो ये बड़ा जरूरी भी है और फेमस भी बहुत है ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी बनाते हैं हम लोग मरी लूप टेस्ट। बेटा ये हम किसके मदद से कर रहे हैं, ये हम लोग करते हैं देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत की मदद से। इसे वेट स्टोन इसे व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर किया जाता है, पर किया जाता है, इसे व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर किया जाता है। अच्छा जी, तो बेटा ये हमारे पास में प्यारे बच्चों दो कंडक्टर है, ये हमारे पास में दो कंडक्टर है। चलिए जी बेटा, इसकी जो लंबाई है ये भी एल मीटर है, और इसकी जो लंबाई है ये भी एल मीटर है। यहां हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया प्यारे बच्चों, हमने यहाँ दो वेरिएबल कैपेसिटर रेजिस्टेंस आ पी और क्यू को रख दिया, यहाँ से हमने एक बैटरी को लगाया। चलिए बेटा, यहाँ से हम लोगों ने ये लगा दिया बेटा, हमने एक बैटरी को ये दिखा दिया। ओके ठीक है जरा बेटा, हमने एक ना के बराबर प्रतिरोध वाली तार से आपस में इसे, इसमें दो एंड है बेटा, जिस तरफ हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं इसे नाम देंगे बेटा हम टेस्टिंग एंड। ओके सर, और बेटा इसे हम कहेंगे दूर वाला छोर, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, ये है फार एंड।
यानी दूर वाला छोर, तो हमने इसे आपस में शॉर्ट कर दिया, और जो हमने शॉर्ट किया है ये हमने किया है ना के बराबर प्रतिरोध से, तो इसका कुल मिलाकर कोई प्रतिरोध नहीं आएगा। लिख भी लेते हैं ना के बराबर प्रतिरोध। अच्छा सर, क्या किया जाए? देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहां से यहां तक जो लिया है वो लिया है आर ओम। इस दूसरी तार के लिए भी ये हमने लिया है आर ओम। अच्छा, हमने ये कहा, हमने ये बड़ा क्लियरली कहा कि यहां से लेकर यहां तक जहां पर कोई फोल्ट होता है इसका प्रतिरोध आर है, और यहां जहां से हम टेस्टिंग कर रहे हैं ये प्रतिरोध एस है। हमने ये प्रतिरोध लिया है। देखिए बेटा, अगर आप देख पाए, आर और एस प्यारे बच्चों हमें दे रहा है, आर प्लस एस दे देगा जी 2R। R प्लस S हमें दे देगा R, यहां तक बेटा, और ऐसी है। तो हमने कहा देखो, यहां पॉइंट P पर फोल्ट हो गया, और हमें प्रतिरोध यदि पता चल जाए तो हमें दूरी पता चल जाएगी, क्योंकि देखो भैया, L मीटर के लिए, या कहें कि आर ओम के लिए एल मीटर है, तो 1 ओम के लिए एल बटे आर मीटर दूरी है। तो फिर हम क्या ये कर सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं कि यदि हम ओम निकाल ले यानी एस के लिए, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर ब्रिज हम पी और क्यू को वेरी करवाते रहें और गैल्वेनोमीटर 0 पढ़ दें, तो हम कहेंगे कि ब्रिज बैलेंस हो गया। तो प्यारे बच्चों, एक बात बताइएगा, हमने कहा जी ब्रिज के संतुलन होने की स्थिति में, ब्रिज के संतुलन होने की स्थिति में क्या हम ये कहेंगे कि पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। हाँ सर, कहेंगे तो बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ जी बेटा, पी अपॉन क्यू आर, यहां तक कितना है, एक भुजा का आर, ये कितना है एस, आर बटे एस। अगर ये हमें मिल जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पी अपॉन क्यू प्लस 1 बराबर में पी अपॉन क्यू प्लस 1 बराबर आर अपॉन एस प्लस में 1। ओके जी, तो बेटा आर प्लस एस जो हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल जाता है 2R/S। हमें क्या मिला, 2R/S, ठीक है। तो बेटा यहां से हमें क्या मिला, देखिए पी अपॉन क्यू, या लिख लीजिए कि पी प्लस क्यू अपॉन क्यू बराबर में आर प्लस एस अपॉन एस। तो आर प्लस एस कितना है, 2R। तो पी प्लस क्यू अपॉन क्यू बराबर में 2R/S। ओके, क्या हम एस निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो हमने कहा एस बराबर में 2R Q अपॉन
प्लस क्यू, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमें एस ओम मिला बेटा। हम यदि एस ओम निकाल दें तो क्या हम एस ओम के सापेक्ष में, एस ओम के सापेक्ष में दूरी निकाल दें? तो हमने कहा कि टेस्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर फॉल्ट हुआ है, वो डी है। देखो मेरे शेर और शेरनियों, एक ओम के लिए कितना है? आपने कहा एक ओम के लिए जो प्रतिरोध, जो दूरी है वो एल बाई आर मीटर है। तो दोस्तों एस ओम के लिए कितना होगा? एस ओम के लिए जो दूरी है एल बटे आर गुणा कितनी है भाई, टू आर और क्यू बटे पी प्लस क्यू, आर से आर कैंसिल। और हमें एस ओम के सापेक्ष में बेटा दूरी ही चाहिए थी। ओके सर, तो हमें देखिए मिल गया कि डी बराबर में क्यू बटे पी प्लस क्यू इंटू टू एल। टू एल बेटा देखिए, एल मीटर किसकी लंबाई है, लाइन की, एक तार की, और फिर दूसरे तार की एल, तो टू एल। तो इतने मीटर, देखो कमाल की चीज, यदि आपके पास, देखो लाइन जमीन के अंदर का तो कोई डाटा नहीं है, बस आपको लंबाई तो देखनी है भाई कितनी लंबी लाइन थी। हाँ सर, पी और क्यू जमीन के बाहर है, आपको अगर पी और क्यू का मान पता चल जाए तो बात बन जाए। पी और क्यू का मान पता चल जाए तो बेटा यहां रखे, आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर फॉल्ट हुआ है। ये होता है, देखिए मरे लूप टेस्ट ही बेटा जरूरी भी होता है पेपर के लिए, लेकिन देखिए वर्ले जो लूप टेस्ट है इसमें बेटा डिफरेंस क्या है। प्यारे बच्चों दिमाग में ये रखना है आपको कि यहां मरे लूप टेस्ट में जो व्हीट स्टोन आप लोगों ने बेटा जो कनेक्ट किया है, हाँ जी, आपने बाहर वाले पी और क्यू को वेरिएबल माना है, लेकिन बेटा यदि आप वर्ले लूप की बात करें, जैसे वर्ले में देख ले, वर्ले लूप टेस्टिंग में बेटा क्या होगा, तो इसमें जो आपने इसमें हमने वेरिएबल ये रख लिया, ठीक है जी, जिस दूरी को आपने, इस रेजिस्टेंस को आपने ये वेरिएबल रखा, यहां पर आपने दिखा दिया कि कोई फॉल्ट हुआ है। इसे आप चलिए कुछ और मान लीजिए, ऐसे हो गया पी क्यू आर एस, इसे चलिए टी मान लीजिए यहां से। तो वर्ले में जो बेटा डिफरेंस आएगा, इसमें पी और क्यू को वेरिएबल नहीं मानना है, इसमें बेटा आपको जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है बेटा इसे वेरिएबल मानना है, एस को। इन दोनों में यही मेजर डिफरेंस है, इसको दिमाग में रखिएगा। बाकी यदि बेटा इसमें कुछ और चीज़ें छोटी मोटी
बच गई होंगी, तो एक क्लास लेकर आपको ये भी पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है जी, एक दो दिन से थोड़ा इंटरनेट की भी वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रखी थी, जैसे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा इंटरनेट में भी डिस्टर्बेंस रही है, लेकिन मैंने अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर किया है। अभी भी आपके लिए सेशन जो रो आपका 39 नंबर का 38 आई थिंक मिशन था जो, इसके लिए ये अपलोड किया है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।